साफ कहा कि वो अपने क्षेत्र में नामांकन से पहले इस तरीके का रोड शो करेंगे और अपनी गाड़ी की जीत जो पीछे से ओपन करके उसी में से प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि बाहर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके सुरक्षा गार्ड गाड़ी के चारों तरफ नजर बना करके रखे हुए हैं। एक बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के लिए भी, पुलिस के लिए भी और SPG के लिए भी कि इस तरीके के कार्यक्रम में जहां पर एकदम खुला होता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के चारों तरफ से गुलाब की पंखुड़ियां आ रही हैं। प्रधानमंत्री अपना चश्मा भी साफ करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पब्लिक में एकदम करंट आ गया है उन्हें देख करके। जो पब्लिक सुबह से उनका इंतजार कर रही थी, उनको ये लग रहा है कि अब जा करके उनका जो पूरा हुआ, जिनके जिस काम के लिए वो यहाँ पर खड़े थे। और ठीक आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ महेंद्रनाथ पांडे, उत्तर प्रदेश BJP के अध्यक्ष, वो भी इस रथ में दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की गाड़ी के ठीक पीछे ये रथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज तमाम कैबिनेट के मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री राज्यों के यहाँ पर आए थे और लोगों के बीच में एक बड़ा रोड शो किया गया। जनता जो है पूरी तरीके से अभिवादन करते हुए और लोगों ने फूलों का हार प्रधानमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया। सुरक्षा एजेंसियां और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे, क्योंकि कार्यक्रम ये था कि गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री को शामिल होना था, लेकिन जिस तरीके का ये रास्ते में भीड़ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। ओपन जीप में प्रधानमंत्री मोदी हर तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और गीत संगीत के बीच, जबरदस्त जनसैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। अब आपको बता दें BJP अध्यक्ष अमित शाह पहले से ही दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है और गदोलिया चौराहे से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे, गंगा आरती करेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। काशी में आज जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, लोग घरों से बाहर निकल सड़कों पर आए हैं, वो क्या संकेत देता है? केसरिया हो गई है काशी, भगवा रंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसा लग रहा है कि बनारस संकेत दे रहा है पूरे देश को कि मोदी 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 बस मोदी। कम से कम ये तस्वीरें यही कह रही हैं। हालांकि बनारस में 19 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को तस्वीर साफ होगी, लेकिन किसी नेता के समर्थन में ऐसा जबरदस्त जमावड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अमिताभ सिन्हा और विक्रांत यादव दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रोड शो की पल पल की जानकारी और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच में यहाँ काशी की जनता भी बड़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद, लेकिन विक्रांत मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं? क्या जहां आप मौजूद हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ चुका है? देखिए बिल्कुल अभी हमारी आंखों मेरे ख्याल में वहां पर कुछ दिक्कत आ रही है इस वक्त, और वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जामर्स लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है वहां पर, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। और इस बीच जल्दी से एक बार हम अमीश का भी रुख करना चाहेंगे। अमीश, धीरे धीरे ही सही काफिला आगे बढ़ रहा है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमें इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जब कल्मिनेट करेगा, यानी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेगा, उसके बाद माँ गंगा की जो आरती और जो आशीर्वाद, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। काशी से होकर क्या दिल्ली का रास्ता PM का साफ होगा? लगातार बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के जनाभिषेक पर, बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। तो लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ इस बड़ी बड़ी कवरेज में, मेगा कवरेज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, काशी की जनता के बीच उनका शक्ति प्रदर्शन, उनके साथ दिग्गज नेता दशाश्वमेध घाट पर जाकर के ये रोड शो खत्म होगा। अमित शाह BJP अध्यक्ष पहले से ही दशाश्वमेध घाट पर मौजूद, माँ गंगा की आरती कर उनका आशीर्वाद ले, गंगा पुत्र काशी से दिल्ली की सियासत साधने के लिए तैयार।
काशी की जनता तो आज जैसे पलके बिछाए सुबह से लेकर रात तक बस प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जुटी हुई है। लगातार हम आपको हर जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा बने हुए हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ही मूव कर रहे हैं। उधर विक्रांत से भी हम बात कर रहे हैं। अमीश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और यहाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ काशी की जनता हमारे बीच मौजूद है और दशाश्वमेध घाट पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आपके समक्ष हम लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। शंखनाद होता हुआ और इस शंखनाद के साथ जो काशी की धरती है वो ये बताती हुई कि ये कितनी पवित्र, कितनी गर्व करने वाली और कितनी महत्ता से भरी हुई धरती है। प्रबल, प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है इसके बाद कहीं कोई शक शुभा रह, हालांकि वोटिंग 19 को है लेकिन कहीं कोई शक शुभा रह जाता है कि काशी मोदी को लेकर क्या सोचती है? भाई देखिए, एक राय से देखा जाए अगर यहाँ पे कंटेस्ट हुआ होता, अगर बढ़िया कैंडिडेट होता तो आदमी कहता भी कि अच्छा चुनाव है और लड़ रहे हैं, जैसे कि रायबरेली में स्मृति ईरानी है और राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो एक बढ़िया कंटेस्ट है प्रजातंत्र पे। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार दिया गया, मैं पहले भी कह रहा था अजय राय को पिछले बार 75,000 वोट मिले थे, अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बाकी एक शालिनी यादव को महागठबंधन ने खड़ा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के आगे जिस तरह का एक उम्मीदवार देना चाहिए था विपक्ष को वैसा एक मजबूत उम्मीदवार दिया गया है। और एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि काशी के लोगों को ये लगता है कि भाई हम अगर एक ऐसे शख्स को जिताएंगे जो प्रधानमंत्री हो, जो भविष्य में दोबारा प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो शायद काशी की स्थिति और बेहतर है, जो काशी लगातार उपेक्षित रहा है। तो हमारे साथ गणेश यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। गणेश जी, अब तो ताकत का अंदाजा हो गया होगा प्रधानमंत्री के, पूरा काशी सड़कों पर आ गया है। जी, इसमें शक नहीं है, लेकिन इस बार जो है गठबंधन, महागठबंधन जो हुआ है इस बार मोदी को टक्कर देने का काम करेगा। कहाँ करेगा, यहाँ काशी में तो दूर दूर तक कोई नहीं है। जो मेयर का चुनाव नहीं जीती आपने उनको टिकट दे दिया मोदी के खिलाफ। आप देखे ना, आप इस बार टक्कर देने का काम करा, वोट को आप देखे ना। ठीक है, क्या महागठबंधन टक्कर देगा मोदी को? यादव साहब कह रहे हैं टक्कर देगा। हाँ, नहीं देगा, क्यों? देखिए, टक्कर देने की बात है ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इस बार काशी की जनता ने तय किया है कि अपने प्रधानमंत्री को 7 लाख के मार्जिन से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेगी। कितने मार्जिन से जीतेंगे प्रधानमंत्री? कितने वोट देंगे आप प्रधानमंत्री को? कितने वोट देंगे मोदी को? वोट देंगे नहीं देंगे? हाँ, मोदी को वोट देंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। कम से कम 5 लाख बोल रहे हैं? और हाँ, बाकी सभी लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे तो वो कह रहे हैं महागठबंधन टक्कर देगा, आप कह रहे हैं जमानत? टक्कर नहीं, कहीं भी कोई टक्कर नहीं मोदी के अपेक्षा में, कहीं किसी भी प्रकार का कोई टक्कर नहीं है सिवाय मोदी और कोई नहीं है टक्कर में। नहीं है, मोदी के साथ हम जैसे युवा भी खड़े हैं क्योंकि मोदी जो है शिक्षा स्तर को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी से किसी को कोई शिकायत? कोई शिकायत? हाँ, आप जरा परिचय दीजिए पहले तो जनता को आप अपना। राम कुमार जायसवाल, जबलपुर से आया हूँ। बाबा विश्वनाथ सपने में आए थे कि जाओ तुम्हारी जरूरत है, तो आ गया राम कुमार जायसवाल, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है बनारस से। 57 इंच का जिगरा आ गया 56 इंच के सीने के सामने। एक फकीर दूसरे फकीर को बराबर टक्कर दे, वोट मिलेंगे आपको, उनको हरा देंगे। अगर दूसरे पार्टियों का समर्थन मेरे तरफ आ गया तो भारी मतों से हराएंगे। राम कुमार जायसवाल आया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं जरा, ये काशी की जनता बहुत मुश्किल है यहाँ आपको प्रधानमंत्री मोदी के लिए इनके बीच जाकर कोई शिकायत ढूंढना, कोई खोट निकालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, दशाश्वमेध घाट की तैयारियां आपने देखी। हम अमिताभ सिन्हा का रुख करना चाहेंगे। अमिताभ, ये बताइए प्रधानमंत्री का ये रोड शो, ये काफिला कहाँ तक पहुँचा और कितनी देर लगेगी अभी दशाश्वमेध घाट पहुँचने में? अमिताभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में अमिताभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से
बहुत बड़ी संख्या में लोग जमावड़ा आगे बढ़ता हुआ और इसी वजह से जो रोड शो है वो धीमे रफ्तार से प्रधानमंत्री का बनारस की गलियों से आगे बढ़ रहा है। एक बार जल्दी से स्टूडियो का रुख करना चाहेंगे, अमीश के पास जाएंगे। अमीश, यहाँ काशी की जनता के बीच जब अभी सवाल पूछा कि मोदी को कितने वोट देंगे, अगर देंगे यानी कितने से मोदी जीतेंगे, तो कोई 7 लाख बोल रहा है, कोई 5 लाख, उससे नीचे आने को यहाँ काशी की जनता तैयार नहीं। निश्चित तौर पर समर्थक हैं, वो तो चाहेंगे 10 लाख तक जीत जाए नरेंद्र मोदी, लेकिन देखिए जीत जीत होती है, नरेंद्र मोदी बड़े मतों से जीतेंगे, इसमें किसी को कोई दोराय नहीं होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, मैं बार बार इस बात की बात कर रहा हूँ कि पूर्वांचल इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम सिर्फ एक आजमगढ़ सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन उसके अलावा अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। तो बीजेपी चाहेगी कि इसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि काशी बीजेपी को पता है काशी बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जीतेंगे, लेकिन इसका असर दूर तक जाना चाहिए, इसका असर बिहार तक जाना चाहिए, इसका असर बाकी राज्यों में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सैफरन वेव है, जो भगवा वेव है, जो भगवा लहर है, उसका असर बहुत दूर तक जाना चाहिए, यानी मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ से बीजेपी का चौथे राउंड से चुनाव जो है वो बहुत उठे और उसके बाद जो 30, 40, 50 सीटें अगर कम होगी बीजेपी को, उस तक बीजेपी को लेके जाए जो 272 का आंकड़ा है। अमित शाह की यह रणनीति होगी जितना मैं समझता हूँ, लेकिन दो चीज़ें अहम हैं। इस बार सामने महागठबंधन है और ये देखिए तस्वीरों में अमित शाह दिख रहे हैं इस समय गंगा आरती के लिए जा रहे हैं। उनके साथ अनिल जैन हैं, भूपेंद्र यादव हैं बीजेपी के दो महासचिव, उसके अलावा सुनील बंसल वहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। तो आप वो दृश्य वो विजुअल इस समय लाइव देख सकते हैं। अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, तो अमित शाह की बड़ी साफ और क्लियर रणनीति होगी कि यहाँ से वो जितना माइलेज ले सकते हैं, पॉलिटिकल माइलेज, वोटों के लिए हाथ से माइलेज वो ले सके। लेकिन सामने महागठबंधन है तो क्या अर्थमेटिक भारी पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता, क्योंकि अगर हम दोनों के वोट शेयर को प्लस करें तो एक बड़ा चंक जो है वो अब महागठबंधन की तरफ, यानी एसपी बीएसपी के गठबंधन की तरफ जाता है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी पोलराइजिंग फिगर है, साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल में मैदान में उतारा है, हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बिहार में कटिहार में कहा कि मुसलमान नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार करें, और मायावती ने जो पहले राउंड के चुनाव से पहले बोला कि मुसलमान एक मुश्त होके वोट डाले उत्तर प्रदेश के अंदर और बीजेपी को हराएं, तो बीजेपी उसको काउंटर करना चाहेगी थ्रू सैफरन वेव, यानी जो भगवा वेव है, जो हिंदू आतंकवाद की बात कांग्रेस ने करी उससे काउंटर करना चाहेगी। तो वो देखने वाली बात होगी। देखिए काशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए या देश के लिए, एक आध्यात्मिक नगरी है इस देश की। तो बनारस से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी ने ये तो दिखाया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी इस समय हमें लाइव दिख रहे हैं, पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए, ये इस समय विजुअल समय लाइव दिख रहे हैं। तो अपने रोड शो को संपन्न करके नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तो मोदी वे हो गई है काशी, केसरिया हो गई है काशी, इसमें कोई दोराय नहीं है। लाइव विजुअल हम देख रहे हैं अमित भाई शाह बीजेपी प्रेसिडेंट, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सीएम, अनिल जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी यूपी प्रेसिडेंट डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बीजेपी की कई बड़े नेता मंत्री पीयूष गोयल वहां मौजूद हैं। तो इस समय हमें लाइव विजुअल्स दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए पहुंच गए हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। के लिए मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी, गंगा को नमन कर रहे हैं, जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए बहुत गर्मी है उधर, नहीं आप क्योंकि आप फील्ड में हैं, आप समझ रही होंगी
इस समय गर्मी कितनी है, प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, उनका कुर्ता पूरा भीगा पड़ा है। हम समझ सकते हैं कि वो इतने बड़े रोड शो से आए हैं, सीधा गंगा आरती के लिए आए हैं। यहाँ पर वो जनता के अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी यूपी प्रेसिडेंट इस समय मौजूद। स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बीजेपी की करने की कोशिश, देखिए मैं अगर बहुत स्पष्ट बोलूं, कई लोग बोलते हैं कि 2019 में मोदी वापस आएंगे, नहीं आएंगे, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो हुआ था, क्योंकि बीजेपी पूरी संभावना थी बीजेपी आएगी, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। देखिए दो बड़े फर्क है, अटल बिहारी वाजपेयी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कोई बड़ा कोर वोट बैंक नहीं बनाया था, नरेंद्र मोदी ने वो बनाया है जो लाभार्थी वोट बैंक है। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक रेज है, नरेंद्र मोदी के प्रति उनके वोटर्स का एक समर्पण है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं था, तो ये बड़ा की फैक्टर है। और साथ ही साथ अमित शाह है जो कि चुनावी राजनीति की हम मान सकते हैं माहिर खिलाड़ी हैं। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अमित शाह के साथ मैंने कई संवाद करे और बहुत स्पष्ट रूप से मैंने एक बार उनसे पूछा, आपको चाणक्य कहा जाता है, कहते राजनीति में कोई चाणक्य नहीं होता, जनता सबसे बड़ी चाणक्य होती है, तो जनता की नब्ज पता होनी चाहिए, जनता को चाहिए क्या। तो इसलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी है, कुछ एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक उस स्कूल ऑफ थॉट ऑफ पॉलिटिक्स से आते हैं जिसमें सोशल इंजीनियरिंग शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है। देखिए नारा था कुछ समय पहले, मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, मुलायम यादव का समीकरण किसी हाल में नहीं टूटेगा। इसके अलावा मुसलमान दलित का समीकरण किसी हालत में नहीं टूटेगा, लेकिन 2014 में हमने हर समीकरण को टूटते हुए देखा। 2017 में मैं खुद मौजूद था बनारस की गलियों के अंदर जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो हुआ, और मैं मौजूद था जब नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। मैं पहली बार टेलीविजन पे ये बात को बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी आंधी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनके रोड शो में बहुत सा हजूम दिख रहा था, क्योंकि बड़ी चौड़ी रोड से निकल रहा था उनका रोड शो। एक कई बार आप जब दृश्य को देखते हो तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी का रोड शो छोटी छोटी गलियों से निकल रहा था, इतनी बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया उसी दौरान, मैंने उसी के अगली रात को अमित शाह का इंटरव्यू करा, जब हम बात कर रहे थे तो अमित शाह ने बोला कि हम 220 से अपनी गिनती शुरू करेंगे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वाकई के अमित शाह कह रहे हैं। मुझे लगा कि नेता हमेशा कहते हैं कि हाँ 220 से हम अपनी गिनती शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा, 220 अगर बीजेपी आपकी आ जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन आई कितनी, 325, तो वो सोचने वाली बात है। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देखिए वो मैं भी चौकीदार, प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में कई बार ही कह चुके हैं, अपने संवाद में कई बार कह चुके हैं कि मैं, जो मेरे पे आरोप लगाए जाते हैं, जो मेरे पे कीचड़ उतारा जाता है, मैं उसको सीढ़ी बना लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। राहुल गांधी ने चिल्ला के कहा चौकीदार चोर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार एक नारा बना दिया, एक रेज बना दिया देश की आम जनता के बीच में। गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद। नेहा, गर्मी बहुत है उधर, प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, वाकई उनका पूरा कुर्ता जो है, जो उन्होंने भगवा कुर्ता डाला हुआ है, पूरा भीगा हुआ विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, इतनी गर्मी है। जी बिल्कुल अमीश, जो आप बता रहे हैं देख पा रहे हैं हम किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साथ साथ बैठे हुए हैं, दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। दशाश्वमेध घाट को बहुत खूबसूरत तरह से सजाया गया है। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद जो 5:20 पर शुरू हुआ, आखिरकार गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम 80 घाट पर मौजूद हैं। घाटों का बहुत महत्व है। अगर बात की जाए बनारस की, कुल 84 घाट हैं और दशाश्वमेध घाट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो खत्म हुआ है। 2014 आपको याद होगा,
2014 में भी कुछ इसी तरह का रोड शो और उसके बाद नामांकन, पर सब नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हाथ जोड़कर माँ गंगा की जो आरती है उसका हिस्सा बनते हुए माँ गंगा का आशीर्वाद लेने का ये उनका तरीका। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है, हालांकि गंगा कितनी साफ हुई इसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप यहाँ घाटों पर आएंगे तो घाटों की साफ सफाई ये तमाम चीजें हैं ये आपको बताएंगे कि पिछले 5 सालों में काशी बदली जरूर है और बेहतरी के लिए बदली है, और काम किया जाना भले ही बाकी हो लेकिन यहाँ सांसद के रूप में लोगों को लगता है कि मोदी ने उनके लिए काम किया है। लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, ये बताइए घाटों के लिए काशी के लिए मोदी ने काम किया है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि काम किया, क्योंकि अभी आप दिन में आपने घूमकर देखा होगा और आप स्टीमर से जाइएगा, और रही बात घाटों की, अभी आपको नाले की महक भी आ रही होगी अगर आप महसूस कर रही होंगी, बगल में ही 80 नाला है। कुछ नहीं किया घाटों के लिए मोदी ने? मैम बहुत बढ़िया किया है, अभी तक पहले देख रहे थे कि यहाँ पे पहले यहाँ जाने लायक नहीं होता था। मैं पिछले 3 से 4 साल में आ रही हूँ तो 80 घाट में मुझे उतनी गंदगी नहीं दिखती है, पहले इतनी सी जगह होती थी जिनमें हमें शो करना। Thank you.
Thank you.
Thank you.